अकाउंट बुक्स मेंटेन करना ना केवल कंपनी की एक कानूनी आवश्यकता है बल्कि इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकली फायदेमंद भी है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कंपनी इन अकाउंट बुक्स को सही फॉर्मेट में और 100% एक्यूरेट जानकारी के साथ मेंटेन करे। लेकिन क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास कोई भी अधिकारी मौजूद है? जी हाँ, मौजूद है। कंपनी द्वारा अपॉइंट किया गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नमस्ते, मैं सुगंध आनंद, सेट इंडिया बिज की एक स्टार्टअप सलाहकार हूँ, जहाँ हम पूरे भारत में व्यवसायों को टैक्स, आईपीआर और कंप्लायंस से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। इस वीडियो में मैं कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार में चर्चा करूंगी, जिसमें शामिल होंगे ऑडिटर को नियुक्त करने की आवश्यकताएं, ऑडिटर की नियुक्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान, ऑडिटर को नियुक्त करने की प्रक्रिया, ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में आरओसी को सूचित करने की प्रक्रिया और ऑडिटर की नियुक्ति के लिए सभी जरूरी दस्तावेज। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने की क्या आवश्यकताएं हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कंपनी की अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की पूरी जिम्मेदारी ऑडिटर की होती है। अकाउंट बुक्स की ऑडिट इसलिए जरूरी है ताकि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए सभी आंकड़ों को रियल टाइम डेटा के साथ मैच कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि यह आंकड़े 100% सही हैं। ऑडिट के आधार पर ही ऑडिटर कंपनी की एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर अपने इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस को विस्तार में समझाता है। ये रिपोर्ट कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के साथ भी साझा की जाती है, ताकि वो कंपनी में किए गए अपने निवेश का हिसाब रख सके और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को नजर में रखते हुए आगे किए जाने वाले निवेशों पर विचार कर सके। ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के अलावा भी कंपनी में ऑडिटर की कई और जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि कंपनी कंपनीज एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन कर रही है, कंपनी में आने वाले वित्तीय जोखिमों की पहचान करना और उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, वित्तीय जोखिमों से बचने के निवारण ढूंढना और कंपनी के प्रबंधन को इस संबंध में सूचित करना, कंपनी के इनकम और टर्नओवर को बढ़ाने के लिए कंपनी के प्रबंधन को सुझाव देना और आखिर में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पाई गई किसी भी धोखाधड़ी या हेर फेर की सूचना कंपनी को जल्द से जल्द देना। कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरी लिस्ट काफी लंबी है, इस बात से तो अब आप सहमत होंगे। तो चलिए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी द्वारा फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त करने के कानूनी प्रावधान क्या है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 में ऑडिटर की नियुक्ति से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार भारत में रजिस्टर्ड सभी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए प्रैक्टिसिंग सीए को नियुक्त करें या एक ऐसे ऑडिट फर्म को नियुक्त करें जिसमें अधिकांश सदस्य प्रैक्टिसिंग सीए हों। ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी द्वारा पहली बार तब की जाती है जब कंपनी रजिस्टर होती है और ऐसे नियुक्त ऑडिटर को हम कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कहते हैं। इसके बाद आने वाले सभी वित्तीय वर्षों में ऑडिटर की नियुक्ति दोबारा की जाती है, जिन्हें हम कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स कहते हैं। लेकिन ये नियुक्तियां वास्तव में कैसे की जाती है, चलिए इसे भी समझते हैं। कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की जाती है? फर्स्ट ऑडिटर को छोड़कर अन्य सभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में नियुक्त किया जाता है। और जहां तक फर्स्ट ऑडिटर का सवाल है, इसकी नियुक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग में की जाती है। कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग इसकी इनकॉर्पोरेशन की डेट से 30 दिनों के भीतर आयोजित की जाती है। तो जाहिर है कि फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति भी इन्हीं 30 दिनों के भीतर की जाती है। लेकिन अगर किसी कारण बोर्ड इन 30 दिनों के भीतर फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त नहीं कर पाता है तो 31वें दिन तक या जितनी जल्दी हो सके बोर्ड को इस बात की सूचना कंपनी के शेयर होल्डर्स को देनी होगी, जिसके बाद शेयर होल्डर्स अगले 60 दिनों के भीतर फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति जनरल मीटिंग में करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त करने के लिए कंपनी को कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ऑडिटर की कंसेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ऑडिटर की नियुक्ति बगैर उसकी सहमति के नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले कंपनी को ऑडिटर से उचित कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर कराने होंगे। कंसेंट फॉर्म की सैंपल फॉर्मेट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक की है। कंसेंट फॉर्म के साथ ऑडिटर को अपनी एलिजिबिलिटी का प्रमाण एक सर्टिफिकेट में देना होगा, जिसमें वो ये डिक्लेयर करेगा कि उसकी नियुक्ति सभी कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जा रही है
और वो ऐसी नियुक्ति के लिए हर पैमाने पर एलिजिबल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आयोजित करना, ऑडिटर से कंसेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलानी होगी। इस मीटिंग की नोटिस सभी डायरेक्टर्स को 7 दिन पहले भेजी जाएगी ताकि मीटिंग में सभी डायरेक्टर शामिल हो सके। मीटिंग में डायरेक्टर्स एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके पारित होने के बाद ही ऑडिटर की नियुक्ति संभव होगी। बोर्ड द्वारा पारित रेजोल्यूशन फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति के लिए काफी है, इसके लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में कंपनी को ऑडिटर की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देनी होगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ऑडिटर की नियुक्ति की सूचना देना कंपनी द्वारा पहले ऑडिटर की नियुक्ति के तुरंत बाद फॉर्म ADT 1 में ROC को इस बात की सूचना देनी जरूरी है। इस फॉर्म को दाखिल करने की जिम्मेदारी कंपनी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पर होती है। फॉर्म MCA की वेबसाइट पर डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें सभी डिटेल्स भरने के बाद और सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद MCA की वेबसाइट पर आप वापस अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद ही फॉर्म ROC को सबमिट करना होगा और इसके साथ ही कंपनी के पहले ऑडिटर की नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त होती है। ध्यान रहे कि ADT 1 ऑडिटर की नियुक्ति की डेट से 15 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। ADT 1 फाइल करने के लिए आवेदन शुल्क, इस टेबल से आप देख सकते हैं कि ADT 1 फाइल करने की आवेदन शुल्क कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल पर निर्भर करती है। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल 1,00,000 रुपए से कम या इसके बराबर है तो शुल्क केवल 200 रुपए होगी। 1,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए के बीच कैपिटल पर 300 रुपए की शुल्क, 5,00,000 रुपए से 25,00,000 रुपए के बीच कैपिटल पर 400 रुपए की शुल्क और 25,00,000 से 1,00,000 के बीच कैपिटल पर 500 की शुल्क लागू होगी। और यदि आवेदन कंपनी की कैपिटल 1,00,000 रुपए से अधिक है तो उस पर 600 रुपए की शुल्क लागू होगी। इस आवेदन शुल्क पर कंपनी केवल ड्यू डेट या आखिरी तारीख तक ही ADT 1 फाइल कर सकती है। अगर आखिरी तारीख मिस हो जाती है तो फाइलिंग के लिए आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी जो कि पीरियड ऑफ डिले और नॉर्मल फाइलिंग फीस पर निर्भर करेगी। अगर पीरियड ऑफ डिले 30 दिन से कम है तो एडिशनल फीस नॉर्मल फीस से दुगनी होगी। इसी तरह अगर पीरियड ऑफ डिले 30 से 60 दिन के भीतर, 60 से 90 दिन के भीतर और 90 से 180 दिन तक हो तो एडिशनल फीस नॉर्मल फीस में 4 गुनी, 6 गुनी और 10 गुनी हो जाएगी। अगर पीरियड ऑफ डिले 180 दिनों से पार कर जाए तो एडिशनल फाइलिंग फीस नॉर्मल फाइलिंग फीस से 12 गुना राशि तक बढ़ सकती है। ADT फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? ADT 1 फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में ऑडिटर की पैन, मेंबरशिप नंबर, पर्सनल एड्रेस, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शामिल है। इसके अलावा ऑडिटर की पिछली नियुक्तियों के डिटेल्स भी जमा करने होंगे जिसमें उनकी डेट और ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अहम होगी। इसके अलावा ऑडिटर की कंसेंट फॉर्म, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, उस बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जिसके द्वारा ऑडिटर को नियुक्त किया गया हो कंपनी द्वारा ऑडिटर को भेजी जाएगी, उसकी डिटेल की कॉपी और आखिर में ऑथराइज्ड डायरेक्टर की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी। जिस डायरेक्टर की DSC अटैच की जा रही है उसके पास उसकी DIN नंबर भी मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ हम वीडियो के अंत तक आ गए। उम्मीद है अब तक आप ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से संबंधित सभी पहलुओं को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे स्टार्टअप सलाहकारों से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे कई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें।